गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 7 सॉयल चैप्टर। आज आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा कि सॉयल है क्या, सॉयल प्रोफाइल क्या है, कितने प्रकार से बटे होते हैं सॉयल, सब कुछ जानने को मिलेगा। सो यू लॉट टू नो, यू लॉट टू डिस्कस एज आ नॉलेज। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मैंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं सॉयल है क्या। ठीक है, तो सॉयल देखिए यहाँ पर डेफिनेशन साफ साफ दिया है। ठीक है, इसी में से आपको यहाँ से यहाँ तक पहली बात समझना है। सॉयल इज ए मटेरियल कंपोज्ड ऑफ 5 इंग्रेडिएंट। सॉयल एक प्रकार का पदार्थ है कंपोज्ड ऑफ 5 इंग्रेडिएंट। क्या रखता है? 5 प्रकार के इंग्रेडिएंट को। मिनरल्स उसमें होता है, सॉयल ऑर्गेनिक मैटर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, गैस और वाटर, ये सब चीज़ होती है। ठीक है, तो मिनरल्स का मतलब खनिज, यानी कि आप देखिए कैल्शियम, ठीक है, आयरन, मैग्नीज, पोटेशियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका मिनरल्स है। सॉयल ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जान लीजिए, जैसे पेड़ हो गया वो सड़ रहा है, मिट्टी में मिल गया। जानवर हैं मर गए, पूरी बॉडी सड़ गई, डिकम्पोज हो गई, मिट्टी में मिल गई। ठीक, तो सॉयल ऑर्गेनिक मैटर भी उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक, फिर लिविंग ऑर्गेनिक, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें आप देखोगे जैसे हम आप लोग हैं, ठीक है, इसी तरह छोटे छोटे जैव और भी हैं, वो सब भी पाए जाते हैं मिट्टी में। ठीक है, हम सब तो मिट्टी के ऊपर पाते हैं, लेकिन छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से दिखने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब उसी में रहते हैं। ठीक है, मिट्टी को अच्छा करते हैं। ठीक, गैस एंड वाटर, गैस भी इन्वॉल्व रहती है। ये मिट्टी अगर जैसे आपकी क्ले ना हो के सिल्ट या सैंड टाइप में है, ठीक है, सिल्ट और सैंड टाइप की अगर मिट्टी है तो उसमें एयर इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है, और वाटर, ठीक, वाटर आपका केवल सैंडी सॉयल में नहीं मिलेगा ज़्यादा, ठीक है, उसमें वाटर की कमी होती है, लेकिन और सब जगह आप वाटर पाओगे। तो यहाँ से बच्चों आप लोग डेफिनेशन लिखने के साथ साथ केवल आपको ये चीज़ लिखनी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। आइए आगे चलते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल, आखिर मिट्टी की क्या महत्व है। ठीक है, तो अब देखिए सॉइल अलाउज ग्रोथ ऑफ प्लांट। बेटा अगर मिट्टी ना हो तो प्लांट्स ग्रो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर ग्रो करेंगे आप खुद सोचिए। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इट सप्लाइज वाटर, पानी को देता है, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब देखो पानी, जो मिट्टी में पानी सीधा रहता है उस पानी को प्लांट्स लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है मिट्टी से, और ये सारी चीज़ें पेड़ के ग्रोथ के लिए बेटा बहुत आवश्यक है। द सॉयल इज़ द मेन पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, मिट्टी जो है खेती की बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल सपोर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप, मतलब अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ अलग अलग प्रकार के फसलों को सपोर्ट करती हैं, सहयोग करती हैं उसका। विदाउट एग्रीकल्चर फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर नॉट पॉसिबल, मतलब ना तो कृषि हो सकता है, ना तो आपका भोजन हो सकता है, ना तो शेल्टर और ना ही क्लॉथ। शेल्टर का मतलब शरण स्थल, जैसे आप घर बनाते हो तो मिट्टी पर ही तो बनाते हो, नींव मिट्टी पर ही तो पड़ती है, और क्लॉथिंग वगैरह भी नहीं हो सकती। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉयल, जो मिट्टी है उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर इज यूज फॉर वेरियस पर्पज, विभिन्न विभिन्न उद्देश्यों के लिए जमीन के अंदर का जो पानी होता है, ठीक है, वो यूज किया जाता है। तो ये मिट्टी ही तो है जिसे जो ढकी रहती है, या मिट्टी में ही तो पानी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं व्हाट पॉल्यूट द सॉयल, आखिर मिट्टी को कौन कौन सी चीज़ प्रदूषित करती है। तो आप देखिए डंपिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज सच एज प्लास्टिक बैग्स एंड पॉलीथीन कॉजेज सॉइल पोल्यूशन, जो आपका सॉइल पोल्यूशन होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो चीज़ जो डिकम्पोज नहीं हो सकती, सड़गल नहीं सकती है, सच एज प्लास्टिक बैग, जैसे प्लास्टिक का बैग हो गया, पॉलीथीन हो गया, इसके कारण क्या होता है बेटा, सॉइल पॉल्यूशन होता है। ठीक, वेस्ट प्रोडक्ट
from industries which contain chemicals can affect the soil adversely. एडवर्सली मतलब बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है, मिट्टी पर. कौन? कंटेन केमिकल्स, मतलब वो इंडस्ट्री जो कि केमिकल का यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी में ही तो केमिकल डाल देते हैं, नदियों के बाहर सहारे फेंकते हैं, ठीक है. तो मिट्टी पर एट लास्ट कहीं ना कहीं वो आती ही है, तो जिससे क्या है, मिट्टी पे बुरा प्रभाव पड़ता है. एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड पोल्यूट द सॉइल एंड डिक्रीज इट्स इट्स फर्टिलिटी, ठीक है. तो आप देखोगे यहाँ पर कि अधिक अगर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को आप यूज कर लो बेटा, पेस्टिसाइड माने कीड़े मारने की दवा, फर्टिलाइजर का मतलब उर्वरक जो केमिकल वाले होते हैं, पॉल्यूट द सॉइल मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं, डिक्रीजेज इट्स फर्टिलिटी और उपजाऊपन को क्या कर देता है, कम कर देता है मिट्टी का, ठीक है. तो ये चीज़ आप समझ गए होगे कि आखिर सॉइल किन किन चीज़ों से पॉल्यूट होता है, ठीक है. अब हम सुपर इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे, आखिर सॉइल प्रोफाइल है क्या. तो द सॉइल कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर विच आर आल्सो कॉल्ड होरिजन्स ऑफ द सॉइल. जो मिट्टी होती है ना, रखती है अलग अलग लेयर, ठीक, विच आर आल्सो कॉल्ड होरिजन ऑफ द सॉइल, और साथ में उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल का होरिजन, ठीक है, मिट्टी के होरिजन उसे हम नाम देते हैं. सॉइल प्रोफाइल इज ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल, मतलब कि कटा हुआ ऐसे, मतलब भाग, यहाँ मिट्टी इस प्रकार की है, तो ये आप देख रहे हो वर्टिकल सेक्शन है ना, वर्टिकल का मतलब खड़ा हुआ भाग, ऊर्ध्वाधर, ठीक है. तो सॉइल प्रोफाइल इज ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल विच डिपिक्ट ऑल ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी के हर लेयर को अच्छे से चित्रित करता है, बताता है, ठीक है. तो आप ये चीज़ जान रहे हैं, समझाने के लिए मैं ये फिगर यूज कर रहा हूँ, ठीक है. इसमें आप देखिए ये वर्टिकल लेयर ही तो है बेटा, खड़ी हुई लेयर, ठीक, और इसमें देखो ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन और बेडरॉक, ये बेटा क्या है, लेयर हैं, ठीक है, और सॉइल प्रोफाइल भी इसे कहा जाता है, ठीक. आप अगर देखना चाहते हो लेयर, तो बेटा आपको एक बड़ा सा गड्ढा खोदना पड़ेगा, ठीक है, या कहीं बड़ा सा गड्ढा खुदा हो तो वहाँ पर आप सॉइल प्रोफाइल को देख सकते हो, ठीक है. तो अब आइए बात करते हैं, अगर हम लेयर पाते हैं तो उसमें सबसे पहले देखोगे ह्यूमस मिलेगा, ठीक है. तो द डिकेइंग मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. ह्यूमस बेटा सबसे ऊपरी लेयर होती है सॉइल की, और उसमें डिकेइंग मैटर, चाहे वो खाना हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, ठीक है, कोई भी चीज़ होती है वो डिकेइंग हो चुकी होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ह्यूमस होता है, मिट्टी में पड़ा रहता है. फिर आइए हम बात करते हैं वेदरिंग की, ठीक है. वेदरिंग क्या है, सॉइल इज फॉर्म व्हेन रॉक ब्रेक डाउन, जब चट्टान टूट जाती है तो इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है. दिस प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग, और यही प्रोसेस वेदरिंग भी कहलाता है. द वेदरिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ रेन्स, फ्लोइंग ऑफ वाटर, विंड, टेम्परेचर एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ ए प्लेस. जो वेदरिंग है, ये जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि बारिश होती है तो बहाव होता है पानी का, हवा वगैरह आ गई तो उससे भी धूल कटती चली जाती है, टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ, ठीक है, और क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है वेदरिंग प्रोसेस के लिए. अब हम बात करने चल रहे हैं पेरेंट रॉक क्या होता है. द नेचर ऑफ द सॉइल दैट इज इट्स टेक्सचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट इज फॉर्म. द रॉक इज ऑफन कॉल्ड, द रॉक इज ऑफन कॉल्ड एज द पेरेंट रॉक. ऐसी रॉक जो बनावट में किसी बड़े स्ट्रक्चर से निकल के आया हो, मान लीजिए ये आपका एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, अब यह ये टूटा, ठीक है, और इसकी की मिट्टी जो है इधर कहीं आई या छोटा छोटा टुकड़ा ये नीचे आया, ठीक है, तो इसके लिए, ठीक है, ये वाला क्या होगा, पेरेंट रॉक, ठीक है. तो इसकी टेक्सचर और बनावट किस पे डिपेंड होगी, मतलब सॉरी, इसकी टेक्सचर और बनावट इस पे डिपेंड होगी, ठीक है, समझ रहे हो ना. तो यही चीज़ था आपको समझना. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है. अब तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए.